नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा, मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान। आज बड़ा मैच है, धोनी के सामने दिनेश कार्तिक होंगे, सीएसके के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स होगी। ऐसे में हमारे साथ रोहित मौजूद हैं जो कि बहुत क्लोजली सारे मैचेस देख रहे हैं, आपको सारे एनालिसिस भी बता रहे हैं, प्री मैच एनालिसिस भी वो बताते हैं। तो आज मैं जरा जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी जरा जानना चाहता हूं आज के मैच में किसका पलड़ा भारी है। रोहित, कौन जीत सकता है आज का मैच, टीम्स को देखते हुए और टीम्स के हालिया फॉर्म को देखते हुए किसकी जीत के ज्यादा चांसेस है आपके मुताबिक? बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी इस बात को लेकर कि टॉस कौन जीतता है यहाँ पे, क्योंकि टॉस आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और टॉस जीतने के बाद फिर ये चीज देखनी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी कि किस तरह के बदलावों के साथ केकेआर आती है। मुझे लग रहा है सीएसके उसी कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी जिस कॉम्बिनेशन के साथ वो पिछले मैच में खेले थे। अगर वो इमरान ताहिर को ले आते हैं टीम में तो मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अब पिच जो है, जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं कि 40 ओवर पुराना है और डिटोरिएटेड है थोड़ा सा, तो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और पीयूष चावला उस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर अगर आप इमरान ताहिर को लाते हैं तो फिर आपको किसी फॉरन प्लेयर को ही बाहर करना होगा, तो ये एक दिलचस्प बात है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ इमरान ताहिर को, क्योंकि वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं और वो ऐसे क्रिकेटर हैं जो लगातार प्रेशर बनाते हैं और उनके आने से फायदा होगा सीएसके को। ठीक है, तो एक तो मुझे ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है महेंद्र सिंह धोनी के लिए। दूसरी तरफ अगर आप केकेआर को देखें तो केकेआर के पास स्पिनर्स तो हैं, लेकिन कोई भी स्पिनर उनका ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहा जिसे कहते हैं ना कि यार ये मैच जिता देगा आपको। नरेन जब से उनका वो एक्शन चेंज हुआ है तब से मुझे उतने इफेक्टिव वो लगे नहीं। कुलदीप यादव लो ऑन कॉन्फिडेंस है, एम सिद्धार्थ एक नए गेंदबाज है उनके पास, तो ये सारी की सारी चीजें है केकेआर के पास। लेकिन अगर आप ऑन पेपर दोनों टीमों को देखें ना, तो जो कमाल के बल्लेबाज सीएसके के पास है और जो बॉलर्स हैं उनके पास, बिल्कुल, और ड्वेन ब्रावो जिस बैलेंस की जरूरत होती है वो सीएसके के पास है, मच केकेआर के पास थोड़ा कम। अगर आप देखें वॉटसन और डुप्लेसी, मतलब अकेले ही जो 179 चेज कर दें, 17 ओवर में चेज कर दें, क्या चाहिए आपको। तो मुझे लगता है कि ऑन पेपर जो है केकेआर पे बहुत हैवी है। वही जो मैंने कल मुंबई के लिए कहा था, देखिए मुंबई रेड हॉट निकली, रेड हॉट फेवरेट निकली, आज के मैच में आप वही चीज चेन्नई के लिए कह सकते हैं। तो बिल्कुल, कल मुंबई की जीत का दावा कर दिया था रोहित ने, पहले ही आपको बता दिया था कि 60% चांसेस उनके मुताबिक मुंबई की जीत के हैं। और देखिए अंतर भी उतना ही है, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब आज रोहित के मुताबिक धोनी की जीत पक्की मानिए, बस हाँ धोनी की जीत पक्की मानिए। अभी अगर बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं किया तो धोनी की जीत पक्की मानिए। चलिए, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सारे सीएसके फैंस तक ये खबर पहुंच जाए कि भाई धोनी आज का मैच कैसे जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।